हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल डिफेंस विद राहुल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टेक्निकल एंट्री स्कीम TES के बारे में। दोस्तों, आपको पता है कि TES 45 की एंट्री SSB हो चुकी है, अब TES 46 की बारी है। तो दोस्तों, उससे रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आई हुई है जॉइन इंडियन आर्मी वेबसाइट पर, आप जाकर देख सकते हैं। देखिए, जैसे मैंने ओपन किया है, मैं आपको शो कर देता हूँ जहाँ पर वेबसाइट पर एंट्री आई है। देखिए, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये देखिए, मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। दोस्तों, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है TES 45, TES 46 कोर्स जनवरी, application 46 विल ओपन ऑन ज्वाइन इंडियन आर्मी .NIC.IN ऑन जुलाई अगस्त। मतलब कि दोस्तों, इसकी जो एंट्री आने वाली है वो आपकी आएगी जुलाई अगस्त के बीच में। तो चलिए दोस्तों, इसको ओपन करके देख लेते हैं हम इस नोटिफिकेशन को। चलिए, जैसे मैंने ओपन कर लिया है इस नोटिफिकेशन को, अब मैं आपको दिखा देता हूँ क्या आया है। देखिए, TES 10+2 एंट्री 46 कोर्स जनवरी 22। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि जनवरी 2022 के लिए है ऑनलाइन एप्लीकेशंस, और ये TES 46 है एंट्री का नाम है। तो दोस्तों, ये इनके कहने का मतलब है कि ये जो एंट्री है, इसके लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म्स होंगे वो जुलाई अगस्त के बीच में रिलीज कर दिए जाएंगे। पर दोस्तों, आपको तो पता ही है कि इसमें इन्होंने बहुत बड़ा एक चेंज किया है, जो कि है आगे आपको पता है कि सिर्फ प्लस टू के मार्क्स कंसीडर होते थे, बट इस बार दोस्तों इन्होंने JEE मेंस को भी कंपलसरी कर दिया है। आप यहाँ पर साफ साफ पढ़ सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ पर इन्होंने साफ साफ किया हुआ है कि JEE मेंस, ये देखिए, JEE मेंस हैज़ बीन मेड ऑब्लीगेटरी फॉर TES 46 कोर्स। तो दोस्तों, आपको JEE मेंस में भी अपीयर होना इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत कंपलसरी हो गया है कि आप अपना JEE मेंस का भी पेपर दें। तो क्योंकि दोस्तों, ये ऑल इंडिया एंट्री है, तो आपको JEE मेंस के बेसिस और आपके प्लस टू के जो PCM के जो मार्क्स होंगे, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के जो मार्क्स होंगे, उसके बेसिस पर आपको वो लोग शॉर्टलिस्ट करने वाले हैं इस एंट्री के लिए। तो दोस्तों, मैं आपको एक और इसके बारे में डिटेल दिखा देता हूँ। एक आई हुई है वेबसाइट पर, इसके बारे में एक वेबसाइट पर भी बहुत बड़ी डिटेल आई हुई है, मैं आपको शो कर देता हूँ खोलकर। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं यहाँ पर इस वेबसाइट पर आया हुआ है TES 46 नोटिफिकेशन इंडियन आर्मी 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर आया हुआ है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, इन्होंने साफ साफ लिखा है TES 10+2 एंट्री। देखिए, TES एंट्री 46 कोर्स जनवरी 22, एप्लीकेशन फॉर TES 46 कोर्स विल बी ओपन जॉइन इंडियन आर्मी इन जुलाई अगस्त। दोस्तों, ये देख सकते हैं जुलाई अगस्त के 2021 के बीच में इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है आने वाला है। आप यहाँ पर साफ साफ पढ़ सकते हैं, इन्होंने भी लिखा हुआ है कि JEE मेंस हैज़ बीन मेड ऑब्लीगेटरी फॉर द TES एंट्री फ्रॉम TES 46 कोर्स ऑनवर्ड्स। तो दोस्तों, आपको JEE मेंस में अपियर होना काफ़ी कंपलसरी है। दोस्तों, मैं आपको और नीचे दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए, और इसके बारे में डिटेल इन्होंने दे रखी है कि क्या क्या है इस एंट्री के बारे में, कि आपके 60% मिनिमम होने चाहिए, आपके 60% मतलब मिनिमम 60% आपके जो हैं इधर इसमें PCM में होने चाहिए। आप देख सकते हैं, आपने उन्होंने साफ साफ मेंशन किया हुआ है, तब आप इस एंट्री के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। और आपको तो पता ही है कि इसके एंट्री के बाद अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको परमानेंट कमीशन मिल जाती है इन द आर्मी आफ्टर 4 ईयर्स ऑफ बेसिक ट्रेनिंग एंड टेक्निकल ट्रेनिंग। तो मतलब आपको जो है परमानेंट कमीशन मिलेगी इसके द्वारा। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको और नीचे शो कर देता हूँ, ये देख सकते हैं। और नीचे अगर हम चलेंगे तो इन्होंने और भी बहुत कुछ बताया हुआ है। तो देखिए दोस्तों, इन्होंने साफ साफ लिखा भी हुआ है रजिस्ट्रेशन डेट्स के बारे में बताया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन डेट्स है इनकी, देखिए जुलाई अगस्त में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी, क्लोज अगस्त को बंद हो जाएगी। और देखिए, TES फाइनल कट ऑफ भी दी हुई है इन्होंने 78% से 85%। पर दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि आपको JEE में भी अच्छी रैंक लानी पड़ेगी, और जहाँ तक मेरा अंदाजा है, आपको 1 लाख के पहले पहले आपको अपनी अंदर अंदर आपकी रैंक होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए शॉर्टलिस्ट हो पाएंगे। क्योंकि दोस्तों, आपको तो पता है कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो चुका है आजकल, तो इसलिए दोस्तों आपको इतनी रैंक तो लानी ही पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको और नीचे करके दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं, इसकी SSB डेट्स भी इन्होंने डिटेल में बताई हुई है। दोस्तों, इसकी SSB जो आने वाली है, वो SSB इनकी आ जाएगी फ्रॉम अक्टूबर और नवंबर के बीच में। दोस्तों, इसकी SSB होगी TES 46 की। तो दोस्तों, इसकी मेरिट लिस्ट आ जाएगी दिसंबर में। तो दोस्तों, आप अपनी तैयारी कर सकते हैं इसके लिए, SSB के लिए।
आपको एस एस बी पर फोकस ज़्यादा करना पड़ेगा, तो ये देख सकते हैं। और एज लिमिट भी इन्होंने बताई है दोस्तों, आपको पता ही है एज लिमिट कितनी होती है सबको, कि 16.5 ईयर्स से लेकर 19.5 ईयर्स, बट दोस्तों ये इनकी मैक्सिमम एज होती है, ज्वाइनिंग का टाइम होती है। तो आप इनमें से एक साल कम करके लगाइए, मतलब कि 15.5 से लेकर आप 18.5 कर मानकर चलिए, आप अपनी एज जो आपकी इतनी होनी चाहिए 18.5, तब आपका दोस्तों यहाँ पर कुछ सिलेक्शन हो सकता है। तो और आपको दिखा देता हूँ नीचे क्या क्या दिया उन्होंने, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है एजुकेशन क्वालिफिकेशन कि आपके 60% फिजिक्स में होने चाहिए, और जेई मेंस ऑब्लिगेटरी है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो दोस्तों और देख सकते हैं यहाँ पर आपकी 3 ईयर्स की ट्रेनिंग होने वाली है गया में, आपकी बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग होगी 1 ईयर की, बाकी 3 ईयर आपकी टेक्निकल ट्रेनिंग होगी। तो देख सकते हैं टोटल वैकेंसीज की बात कर लें तो दोस्तों यहाँ पर टोटल वैकेंसीज जो हैं वो है 90 टोटल वैकेंसीज होंगी, सिर्फ 90 वैकेंसीज, आप देख सकते हैं मतलब कंपटीशन कितना ज़्यादा होने वाला है इस एंट्री के लिए। तो दोस्तों आपको एसएसबी में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, और दोस्तों बाकी सब इसमें डिटेल्स बताई गई हैं, आप चाहें तो यहाँ से आप पढ़ भी सकते हैं इस वेबसाइट पर जाकर, एसएसबी क्रैक्स नाम की वेबसाइट है ये। तो दोस्तों यहाँ पर बताया हुआ है कि अप्लाई भी कैसे कर, आपको अप्लाई कैसे करना है, और प्रोसेस भी बताया हुआ है कि आपको जो है एप्लीकेशन विल ओनली एक्सेप्टेड ऑनलाइन, आपको पता है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए सबमिट करनी पड़ती है, आपको जाना पड़ेगा joinindianarmy.nic.in पर, आपको यहाँ पर जाकर अपना रजिस्टर करना है, उसके बाद आपको जब भी इसकी एप्लीकेशन फॉर्म आएगी मैं आपको नोटिफिकेशन कर दूंगा। दोस्तों नोटिफिकेशन के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना, सबसे फर्स्ट नोटिफिकेशन हमारे चैनल पर मिलती है। तो दोस्तों चलिए नीचे चलते हैं और देख लेते हैं क्या क्या बताया हुआ है। देखिए प्रोसीजर बताया हुआ है शॉर्ट लिस्टिंग का, सिर्फ शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट्स जो हैं, जो कैंडिडेट सिर्फ शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे सिर्फ उनको ही यहाँ पर कट ऑफ परसेंटेज के बेसिस पे जो शॉर्ट लिस्ट होंगे उन्हीं को एसएसबी के लिए बुलाया जाएगा। तो चलिए दोस्तों और आपको दिखा देता हूँ मैं क्या क्या है, और दोस्तों इसमें कुछ खास नहीं है, बाकी सब आपको पता ही है क्या क्या इसके लिए प्रोसीजर वगैरह बताए गए हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक करना और चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है और आपको सबसे फास्ट नोटिफिकेशन हमारे इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो मिलते हैं तब तक के लिए, जय हिंद वंदे मातरम।